कि जदों सारियां पार्टियां दे माफिया जगत इकट्ठा होके नवजोत सिद्धू नूं सियासी तौर ते खत्म करन नूं तुल जी गया हाँ जी हैगा हाँ जी ता जेही हालत विच मैं डॉक्टर गांधी जी नवजोत सिद्धू दे नाल खड़ा हैगा और दे हक विच प्रचार करन वास्ते अमृतसर की जाऊंगा। खासियत की है की जी तुसी? खासियत है, क्यों देखो सोचे? खासियत यह है कि डॉक्टर गांधी कोई मतलब कोई बच्चा तो है नहीं। मैं बड़ी क्लोजली पिछले 40-50 साल तो खास तौर पर पिछले 15-20 साल तो पंजाब की सियासत को देखता आ रहा और पंजाब के आर्थिक पतन पंजाब का जो समाजिक पतन है जो पंजाब का जो 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 सारा जो पंजाब गिरावट च गया हैगा उदा मैं चश्मदीद गवाह हैगा और मैं देखा कि सब तो वड्डा रोल जिहड़ा सीगा वो सीगा माफिया का आर्थिक गतिविधि के हर खेत्र च, चाहे वह भू माफिया हो चाहे शराब माफिया हो चाहे नशा माफिया हो चाहे वह मतलब ट्रांसपोर्ट माफिया हो चाहे वह शराब माफिया हो चाहे वह केबल माफिया हो यानी कि आर्थिक गतिविधि हर खेत्र माफिया की जकड़ में हैगा। नागवाल बाई बैठा पंजाब की आर्थिकता को भी पंजाब के साधना स्रोतों को भी वो साधन स्रोत जिहड़े कि पंजाब के खजाने पैने चाहिए सके जिस चो रुजगार निकलना सगा जिस चो फिर सेहत निकलनी सी जिद विद्या निकलनी सी जिद विकास निकलना सगा वो साधना स्रोतों के पंजाब के चंद सियासी परिवार ते चंद जिहड़ी जिहड़े शाही खानदानी परिवार हैगे उन्होंने नागवाल पाई बैठे सके ते उहदा जिहड़ा वसीला जिहड़ा रस्ता सीगा उह सीगा माफिया राज दा कैमी जिसने 10 साल अकालियां ने चलाया उस तों बाद 5-4.5 साल जां 5 साल कह लो कांग्रेस ने जिथे अकाली छड़ के गए सके उत्थे माफी नूं अगे तोर लिया हैगा। नवजोत सिंह सिद्धू तों ही साथ दोंगे जां पटियाले तों ही जिहड़े कांग्रेस कैंडीडेट उहनां दा वी साथ? नहीं मैं देखो मैं बड़ा सिलेक्टिव हैगा मैं बेसिकली साथ दे रहा हैगा संयुक्त किसान मोर्चे ते संयुक्त संघर्ष जिहड़ी पार्टी हैगी है संयुक्त समाज पार्टी ते संयुक्त संघर्ष पार्टी दी जिहड़ी सांझी जो कैंडिडेट ने उहदा साथ दे रहा मैं जिवें हुणे मैं सुमाणे हल्के तों आया पिछले महीने सनौर गया सीगा मैं पिछले पिछले हफ्ते सनौर गया सीगा मैं उहनां दे 10-12 कैंडिडेट जिथे मेरी मेरी पहुँच हैगी जां मैनूं मैनूं बुलावा आउंदा उहनां दी मदद पर अमृतसर मैं कोशिश करांगा कि 2 बार जावां ते एक बार तो मैं कोई मर्जी होवे दैट डजंट मैटर जो मैं कहना कोई मर्जी होवे जो तुल गए हो कि जो काम करना सुख करना है सिद्धू हक खड़ना तो खड़ना है सिद्धू का बचाव करना तो करना है सिद्धू ना मेरे बहुत सारे सिद्धू ना लगना सिद्धू साहब ना मेरे बहुत मतभेद हो सकते हैं और है ही है तुम्हें लगता है उन्होंने भाषा के कंट्रोल ना होना उन्होंने संवाद संयम का ना होना उन्होंने का मतलब जो कई बार आप जो आप खुदरा पढ़ है जहाँ मतलब सेल्फ प्रेज हैगी है सेल्फ जरा यूलोजाइज करना है वो मैं नहीं पसंद है पर जो जो पंजाब की सियासी लड़ाई हैगी है जो पंजाब उपर चुकन की लड़ाई है ये दो मुख मुद्दे हैगे है माफिया राज का खात्मा माफिया राज का खात्मा तो दूजा जी उनकी दृष्टि हैगी है जो दूरदृष्टि जी मेरे नाल मेल खाती है और मैं खुद उस राह का राह ही हैगा वो हैगा कि पंजाब की तरक्की का पंजाब की मंथाली चो निकल का एक रास्ता जोड़ा है वह पाकिस्तान राही ग्वादर सी पोर्ट राही साडा मध्य पूर्व ते सेंट्रल एशिया का व्यापार न खुलता है पंजाब की कंगाली का सो जिस करके साड़ी मेरी ते सिद्धू साहब की एक सांझ हैगी है कि पाकिस्तान ना अमन दोस्ती खुशहाली व्यापार ये पंजाब की तरक्की वास्ते पंजाब नूं संकट चो कढ़न वास्ते बहुत वड्डा हथियार हैगा है जिस करके मैं सिद्धू साहब का मैं इस गल का उन्हां साथ साथ दिंदा हैगा है और माफिया खिलाफ जो दृढ़ता जो पक्याई जो नेचा सिद्धू साहब की बोलवाणी च भी उन्होंने जो पंजाब प्रति जो पंजाब का एजेंडा लैके आए ने जो नरेटिव लैके आए ने जो पंजाब का वृतांत उन्होंने को है उसके मैं उन्होंने साथ देने तैयार हैगा है उन्होंने मैं हमायती हैगा है उस हमायत विचों ही जो अज उन्होंने घेराबंदी की जा रही सिद्धू साहब की समुची सियासी जमात जमात वालों और खास तौर पर अकाली दल वालों या बाकी पार्ट खुद उन्होंने पार्टी के बिच भी उन्होंने वास्ते कोई बहुती मतलब कई कई उन्होंने विरोधी है और सब जानते हैं कि किमें उन्होंने उन्होंने कहने के बावजूद कुछ एक वजीरों को कांग्रेस मुड़ के फिर वजारत दी गई है सो अज सिद्धू साहब घेरे उन्होंने घेरन की कोशिश की जा रही है सियासी तौर पर खत्म करन की सियासी तौर पर जो घेराबंदी की जा रही है डॉक्टर गांधी का विरोधी हैगा और विरोध को मैं जो अपन उन्होंने अमली जामा पहनाऊंगा उन्होंने हक बयान भी दिता है उन्होंने हक में प्रचार कर भी जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।